कोडरमा में तिलैया डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही यहां मौजूद सुविधाओं के लिए भी पर्यटकों के बीच अपनी अलग पहचान रखता है। डीवीसी मैनेजमेंट इसे और ज्यादा विकसित और आकर्षक बनाने में हमेशा जुटे रहता है और इसी कड़ी में एक बार यहां ग्लास ब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के नालंदा में बने ग्लास ब्रिज की तर्ज पर बनने जा रहा है यह ब्रिज इस टूरिस्ट प्लेस की खूबसूरती में और चार चांद लगा देगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आर्यन। हम तिलैया डैम में मौजूद हैं और झारखंड के कई पर्यटक स्थल हैं इसमें, इनमें से तिलैया डैम भी एक है और लगातार उसके सौंदर्यीकरण को लेकर ये कोशिश की जा रही है कि कैसे पर्यटकों का ध्यान जो है वो इस ओर खींचा चलाए। हमारे साथ कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन सर मौजूद हैं। किस तरीके से सर सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है सर यहाँ पर? देखिए झारखंड में वैसे तो खनिज मूल स्रोत है आय का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है और उन्होंने भी लगातार कहा है कि झारखंड को जो है पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम विकसित करें यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार भी मिलेगा और झारखंड जो है पूरे देश के जो पारदृश्य है उसमें एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में उभर के आएगा। इसी पहल पे हम लोग लास्ट एक साल से काफ़ी चीज़ें इसमें कर रहे हैं। सामने का सौंदर्यीकरण हो चुका है, एक स्टेयर केस था जो माननीय सचिव पर्यटन आए थे उन्होंने कहा था इसको ठीक करना, वो हम लोग कर लिए हैं उसको। एक वॉच टावर का भी प्रावधान था, बहुत पहले से चल रहा है वो, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग उसी का जो है वॉच टावर को हम लोग सोच रहे हैं कैसे हम लोग ग्लास का वॉच टावर इसमें बना सकें। तो कई देश के दो तीन जगहों पर जो है ग्लास ब्रिज का निर्माण हुआ है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोडरमा में भी तिलैया डैम बहुत ही मनोरम स्थल है, आसपास के तीन चार जिलों का मतलब एक तरह से कॉर्नर पॉइंट है, साथ ही साथ पटना रांची का हाईवे भी है, तो कई लोग यहाँ आते हैं। दिसंबर जनवरी में जो है बर्ड्स भी काफ़ी आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एक अच्छा ग्लास ब्रिज टाइप का एक वॉच टावर बने जिससे कि पूरे डैम का परिदृश्य दिखेगा तो टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है रोजगार का भी एक अच्छा माध्यम। बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से ग्लास ब्रिज वॉच टावर जो है वो भी बनने वाला है और कोडरमा के लोगों को ये सौगात मिलने वाली है। तो लगातार चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर कोडरमा के उपायुक्त हो, कोडरमा का जो तिलैया डैम है इसके सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से पर्यटक जो है वो कोडरमा के तिलैया डैम के ऊपर आकृष्ट हों। सहयोगी रंजित के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज 11 भारत, कोडरमा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।